हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ हेरिटेज पब्लिक स्कूल। तो स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट बम्बू करी एंड दिस क्लास फॉर फिफ्थ क्लास। सो लेट्स रीड दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन टू पॉइंट्स। सो आई विल एक्सप्लेन यू पॉइंट वाइज। हैव यू एवर ईटन अ डिश made of bamboo? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. Okay? आपने कभी भी बम्बू नाम से या बम्बू से बनी हुई कोई डिश कभी खाई हो? तो चलिए इस पिक्चर स्टोरी को पढ़ते हैं। आप देखिए, हर पॉइंट पर एक पिक्चर बनी हुई है, यानी कि आपको पॉइंट पढ़ने के साथ साथ पिक्चर्स के साथ बहुत क्लियर होगा कि स्टोरी क्या है। सो लेट्स रीड आवर स्टोरी। इस स्टोरी में आप ये जान पाएंगे कि बम्बू का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसे आप खा सकते हैं, जो खाने लायक है, जो पकाने लायक है। ओके, सो लेट्स रीड आवर स्टोरी बम्बू करी। फर्स्ट पॉइंट, वन डे द मदर इन लॉ ऑफ ए संथाल ब्राइडग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर। एक दिन क्या होता है कि संथाल से आया हुआ एक दूल्हा, जो कि अपने मदर इन लॉ के घर पे आया हुआ है, अपनी सास के घर आया हुआ है, तो जो उसकी सासू माँ है वो उसे एक स्पेशल डिश बना के खिलाती है। और जब वो उसे स्पेशल डिश बना के खिलाती है तो देखिए वो क्या बोलता है। सेकंड पॉइंट देखिए एंड विथ सेकंड पिक्चर, दिस करी इज़ डिलीशियस, वॉट इज़ इट? द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बम्बू डोर। ओके, तो देखिए जब संथाल डिश फिनिश कर लेता है देन अपनी सासू माँ को बोलता है दिस करी इज़ डिलीशियस, कि ये करी बहुत ही डिलीशियस है। ये क्या चीज़ थी? तो जो मदर इन लॉ है, जो उसकी सास है, वो बम्बू डोर, यानी कि जो उसका जो बम्बू है, बम्बू मैं आपको बता दूँ बांस को बोलते हैं हम, तो जो बांस का उसका जो दरवाज़ा बना हुआ है उसकी तरफ इशारा करती है, पॉइंट करती है कि ये उसका बना हुआ है। तो देखिए थर्ड पिक्चर देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बम्बू इन हिज विलेज। अगली सुबह जब क्या होता है कि जब उसे घर छोड़ना पड़ता है, यानी कि जब उसे घर जाना है तो घर जाने के लिए सासू माँ का घर जब वो छोड़ेगा तो उसे क्या चीज़ याद आती है? उसे वो डिश याद आती है जो उसकी सास ने बना के उसे खिलाई थी। उसे ये याद आया कि वो अपने गाँव तो चला जाएगा, बट गांव में उसे अच्छे से पता था कि उसके गांव में कहीं भी कोई बम्बू नहीं है। तो सो ही रिमूव द बम्बू डोर एंड कैरिंग इट विद हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो देखो वो क्या करता है, इसीलिए वो क्या करता है, जो दरवाज़ा होता है, जो बांस का जो दरवाज़ा बना होता है, जो उसकी सास के घर का जो दरवाज़ा था, वो उसे वहाँ से उखाड़ता है, देन उसे कैरी करता है और कैरी करके उस घर को छोड़ देता है, यानी कि घर को छोड़ के अपने घर के लिए वो चल देता है। ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विद दिस बम्बू डोर। जब वो अपने घर पहुंचता है, यानी कि जब वो अपने घर पहुंचता है तो अपनी वाइफ को वो दरवाज़ा देते हुए बोलता है कि इस दरवाजे से जल्दी से दरवाजे से या इस बम्बू डोर से करी बनाओ। तो देखो नेक्स्ट क्या होता है। सिक्स पॉइंट, शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ द बम्बू डोर। अब देखो उसकी वाइफ जब उस दरवाज़े को देखती है तो दरवाज़े को देखने के बाद वो क्या कहती है, वो बहुत शॉक्ड हो जाती है, उसे बहुत धक्का लगता है, वो कहती है हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ द बम्बू डोर। वो सोचती है कि ये बांस के दरवाजे से वो करी कैसे बना सकती है। सेवन पॉइंट, कम आई विल हेल्प यू बाई चॉपिंग अप द बम्बू ही सेड। देन उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ब्राइडग्रूम है, जो हमारा लड़का है, वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगा इस बम्बू को काटने में। एट पॉइंट, हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट ही सेड इट इज़ टू हार्ड टू ईट, यू डोंट नो हाउ टू कुक। अब देखिए एट पॉइंट में क्या होता है, उसकी जो वाइफ होती है संथाल की, संथाल ने क्या किया कि उसको चॉपिंग किया बहुत अच्छे से, चॉपिंग मतलब काटा उसको, जब दरवाजे को बहुत अच्छे से काटा तो उसकी वाइफ ने क्या किया, उसे काफ़ी देर तक बॉईल किया, बहुत देर तक बॉईल किया,
बॉईल करने के बाद जब उसके हस्बैंड ने टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद उसे ये पता चला कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो वो जब बोला इट्स टू हार्ड टू ईट, कि ये तो खाने में बहुत ज़्यादा सख्त है, तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे खाना बनाया जाता है। देन 9 पॉइंट में देखिए उसकी वाइफ क्या कहती है, हीज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट। देन उसकी वाइफ क्या करती है कि वो दोबारा उन बम्बू नूडल्स को लेती है जो कि बहुत चॉपिंग कंडीशन में थे, कटे हुए पीसेस में थे, उनमें और पानी ऐड करती है, देन उसे और बॉयल करती है। इट इज़ स्टिल टू हार्ड, आई कांट इट। देन अगेन उसका हस्बैंड उसे टेस्ट करता है और सेम वही वर्ड्स यूज़ करता है, इट इज़ स्टिल टू हार्ड, ये अभी भी बहुत हार्ड है, एंड आई कांट ईट इट, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं खा सकता हूँ। द इन-लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। उसी शाम को क्या होता है जिस दिन ये सब जो संथाल है ये सब बनवाता है, उसी शाम को इवनिंग के टाइम पे जो उसकी सास है वो उसके घर पर आती है। जब वो उसके घर पर आती है तो दे ऑल लाफ एट हिज फुलिशनेस, तो वो बहुत ज़ोर से हंसते हैं उसकी मूर्खता पर, यानी कि उसने जो फुलिशनेस दिखाई उसके ऊपर। द मदर इन लॉ सैड, क्योंकि जो उसकी सास है वो क्या कहती है, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बम्बू शूट्स एंड नॉट फ्रॉम ए बम्बू डो। अब वो क्या कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता करी किससे बनती है, वो बम्बू डोर से नहीं बम्बू शूट्स से बनती है, यानी कि जो बांस होते हैं, बांस की जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जब उसमें नई नई कोंपले आने लगती हैं, कोंपले मतलब एक पत्तियां कह सकते हो, या हल्का सा बहुत लाइट तना होता है जो खाने लायक होता है, यानी कि अगर मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड बताऊँ तो देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड में, इसमें एक डिफ़िकल्ट वर्ड है जिसमें बम्बू शूट्स के बारे में पढ़ा है कि जो बम्बू शूट्स होते हैं वो बम्बू का वो पार्ट होता है जो कि जिसे खाया जा सकता है, तो वो उस पार्ट को बनाती है ना कि बम्बू डोर को। तो वो जब उसकी सासों से ये बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता करी किससे बनाई जाती है, बम्बू शूट से बनाई जाती है ना कि बम्बू डोर से, तो संथाल की इस बात पर सब लोग हंसने लगते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट गिविंग योर अटेंशन एंड हे योर स्टोरी एंड